दोस्तों इमेजिन करिए वो एक दिन जब आप अपनी कार से उतरे और आपकी कार एक सिग्नल सेंड करे, क्योंकि आपकी कार कॉन्स्टेंटली आपकी लोकेशन ट्रैक कर रही है, वो एक सिग्नल सेंड करे आपके स्मार्ट डोर लॉक को कि आप घर पे पहुंच गए हैं या गाड़ी घर पे पहुंच गई है, और फिर वो डोर लॉक एक सिग्नल सेंड करे आपके इंटरनेट कनेक्टेड सर्विलेंस सिस्टम के कैमरा को कि वो कैमरा चेक करे कि कौन सा आदमी कार से उतरा है और उसका फेशियल रिकॉग्निशन करके बताए, उसका चेहरा पहचान के बताए कि असल में वो आप हैं या कोई और है। और अगर ये दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं, मतलब कि कार घर पे पहुंच गई है और फेशियल रिकॉग्निशन के बाद आपका ही चेहरा निकला है, तो डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। और फिर जैसे ही ये डोर अनलॉक होता है, अंदर एक स्मार्ट एयर कंडीशनर लगा हुआ है जो घर के जो बाहर के टेम्परेचर की रीडिंग लेके अकॉर्डिंगली घर के टेम्परेचर को सेट करता है कि अगर बाहर 32 डिग्री है, 34 डिग्री है, 50 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी है, और जो भी ह्यूमिडिटी है उसके बेसिस पे अंदर का टेम्परेचर सेट करता है कि ह्यूमंस के लिए 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 23 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ह्यूमिडिटी कितना परसेंटेज होना चाहिए, अकॉर्डिंगली वो एयर कंडीशनर अगर सेट कर देता है। तो ये कितने स्मार्ट अप्लायंसेस हो जाएंगे, आपका स्मार्ट डोर है, आपका स्मार्ट कैमरा है, आपका स्मार्ट कार है और आपकी स्मार्ट एयर कंडीशनर है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT के जरिए, और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य और आज बात करेंगे IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कुछ बहुत ज़्यादा नया है, 2015-16 के आसपास ये टॉस किया गया था, ये टर्म को उछाला गया था मार्केट में और तब से इस पर रिसर्च चल रही है, तब से इसके पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में बात की जा रही है। तो एक पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको शुरुआत में इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया कि वो कार से डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक होने वाला और फिर एयर कंडीशनर से ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेट होने वाला, ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब अगर स्मार्ट IoT कैसे डिवाइसेस को स्मार्ट बनाता है इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि IoT बेसिकली है क्या। मैंने आपको इंटरनेट वाले वीडियो में, इससे पहले मैंने इंटरनेट वाला वीडियो इस चैनल में डाला था और मैंने उस वीडियो में बताया था कि इंटरनेट बेसिकली रास्तों का एक कनेक्शन होता है। जैसे हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मैं अगर पवई में हूँ और मुझे जाना है घाटकोपर, तो मैं पहले ऑटो लूँगा, फिर मैं मेट्रो लूँगा और मेट्रो से मैं घाटकोपर पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे ही जैसे हम रेगुलर लाइफ में बहुत सारे तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन कम्यूटेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि रोड्स हो गया, रेल रोड्स हो गई, मेट्रो हो गया, इस तरह के बहुत सारे मेथड्स हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आदमियों और सामान को ले जाने के लिए इस तरह के रास्ते होते हैं, इस तरह के रेल रोड्स होते हैं, वैसे ही इन्फॉर्मेशन को ले जाने के लिए जो मीडियम होता है, उस मीडियम का जो एक नेटवर्क बनता है उसे इंटरनेट कहते हैं बेसिकली। अब इस मीडियम में 2G कनेक्शंस भी हो सकते हैं, 3G हो सकता है, 4G हो सकता है, 5G जो आने वाला है वो भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, वायर्ड कनेक्शन भी हो सकता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हो सकते हैं, कम बैंडविड्थ वाले कनेक्शंस हो सकते हैं। तो मोड ऑफ कम्यूटेशन अलग अलग हो सकता है, पर इन सारे मोड्स को मिला के जो नेटवर्क बनता है वो बेसिकली इंटरनेट होता है। तो जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो डिवाइसेस हैं जो हम रोजमर्रा के काम में लाते हैं डिवाइसेस, जैसे कि आपका एयर कंडीशनर हो गया, आपका डोर लॉक हो गया, आपके लैंप्स हो गए, आपके घर में स्मार्ट स्पीकर्स हो गए, जितनी भी इस तरह की स्मार्ट डिवाइसेस की बात चल रही है, वो सारी डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट करके आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं तो इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब कि डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे डिवाइसेस को स्मार्ट बनाता है, अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में आपको जितनी ज़्यादा जानकारी होगी आप उतने ही ज़्यादा स्मार्ट होगे। ठीक वैसे ही डिवाइसेस के केस में डिवाइसेस को सराउंडिंग की जितनी ज़्यादा जानकारी होगी वो उसको प्रोसेस करके उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको दे पाएंगे, और इस तरह से ज़्यादा डेटा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी डिवाइसेस के पास होने से ये डिवाइसेस बेहतर आउटपुट देती हैं और स्मार्ट डिवाइसेस हो जाती हैं बेसिकली। अब स्मार्ट डिवाइसेस का यूज केस तो मैंने आपको एक यूज केस बता ही दिया है, अब IoT के बारे में और आगे बात करते हैं। बेसिकली IoT में आप डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब अभी तक इंटरनेट से कौन सी डिवाइसेस को आप कनेक्ट करते थे, इंटरनेट से आप कनेक्ट करते थे अपना मोबाइल फ़ोन, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप वगैरह, जो प्राइमरीली कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती थी, वो डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटिंग का काम लिया जाता था, जिन्हें जो एक तरह से कंप्यूटर्स होते थे। अब IoT में वो डिवाइसेस होंगी जो बेसिकली कंप्यूटर नहीं होता, जिनका प्राइमरी टास्क कंप्यूटेशन नहीं होता, जिसमें आप कंप्यूटर जैसे काम नहीं लेते, जिससे उनका प्राइमरी काम कुछ और होता है, और उसमें हम नेटवर्क कैपेबिलिटी, उसमें हम इंटरनेट से जोड़े जाने की क्षमता ऐड करके उसकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर देते ताकि उसको ज़्यादा डेटा इनपुट मिल सके और वो अकॉर्डिंगली प्रोसेस करके एक डिसीजन ले सके, एक बेहतर सुविधा आपको दे सके, और इसीलिए बेसिकली स्मार्ट हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है।
तो अब अगर जस्ट जैसा कि मैंने 5G वाले वीडियो में बात किया था कि 5G की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि गार्टनर की एक सर्वे के मुताबिक एक कयास लगाई जा रही है, गार्टनर एक एजेंसी है जो ऐसा बता रही है कि 2020 तक दुनिया की पॉपुलेशन से 3 गुना ज़्यादा डिवाइसेस होंगी, और क्योंकि हर आदमी 3 स्मार्टफोन या 3 लैपटॉप या 3 कंप्यूटर या कुल मिला के 3 डिवाइसेस सबके पास नहीं होती हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन तीनों हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड भी हैं। तो बेसिकली ये जो 3 गुना पॉपुलेशन से 3 गुना डिवाइसेस होंगी, वो उनमें से ज़्यादातर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होंगी, ऐसी ही डिवाइसेस जिनका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। अब ये हमने देख लिया कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे डिवाइसेस स्मार्ट हो जाएंगी, कैसे हमें ज़्यादा सहूलियत होगी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हमारी ज़्यादातर इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े बेहतर तरीके से सर्विसेज को रेंडर करेंगे, बेहतर तरीके से और ज़्यादा कन्वीनियंट वे में हमें सहूलियत मुहैया कराएंगे। अब ये तो हो गया स्कोप ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इम्प्लीमेंटेशन और भी बहुत तरह से किया जा सकता है, जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी वैसे वैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और भी बेहतर तरीके से किया जा सके। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस की बात दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक कंपनी अपना एक कोई ना कोई प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दे देता है। जैसे एप्पल की बात करें तो अपना iOS दे देते हैं, गूगल ने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा यूनिफॉर्म कर दिया, नहीं तो इससे पहले नोकिया था तो वो सिम्बियन डाल के देता था या फिर मीगो देता था या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। तो जो बेसिक चैलेंज है वो प्लेटफॉर्म का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और आपको पता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए आप यही ले लीजिए कि एंड्रॉयड डिवाइस से iOS डिवाइस को कम्युनिकेट करवाना कितना मुश्किल होता है, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करनी पड़ती है, जैसे कि शेयर इट वगैरह से आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह से मैसेजेस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आपस में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का बेसिक पर्पस ये है कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएं। तो ऐसे में एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में मैंने इससे पहले एक वीडियो में बात की थी इसकी फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अभी इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे फुशिया इसको हेल्प करेगा। तो जो पहला चैलेंज अपने पास है वो ये है कि एक सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों के पास, एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसको हर एक डिवाइस में डाल के दे दिया जाए, जिससे कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में हमारा सारा मुद्दा क्या है कि हमें डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। अगर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो आपके पास एक सिंगल यूनिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने में। तो उसके लिए ये जो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के सामने। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 5G के आने के बाद ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत के एग्जांपल में बताया था, अब मान लीजिए कि आप गाड़ी से उतरे और गाड़ी को सिग्नल भेजने में ही 10 सेकंड लग गए, या फिर गाड़ी सिग्नल ही नहीं भेज पा रही है, या इतना एक पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, तो वैसे में सारी चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करके फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो दूसरा चैलेंज ये है कि इंटरनेट कनेक्शन उतना फास्ट कैसे हो। इंटरनेट 5G के आने के बाद बेशक इंटरनेट कनेक्शन इतना फास्ट हो जाएगा, लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी, तो कम्युनिकेशन की जो स्पीड है, जितनी तेज जितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो टाइम भी बहुत कम हो जाएगा। तो 5G के आने के बाद बेशक ये कनेक्टिविटी वाला प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाएगा, पर प्लेटफॉर्म की समस्या अब भी बनी हुई है। तो जैसा कि गूगल ने बोला था कि गूगल का तो विजन ऑफ द फ्यूचर है वो है AI फर्स्ट, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि इंटेलिजेंस कब कैसे आती है, जब आपको जानकारी ज़्यादा हो, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, आपकी सराउंडिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप बेसिकली इंटेलिजेंट हो जाओगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में भी यही चाहिए होता है कि हमें डेटा, हमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चाहिए होती है, क्योंकि हम एक नेटवर्क बना के एक हम कुछ इंटेलिजेंस बना के दे देते हैं, एक सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूलाज बना के दे देते हैं, पर फिर जब उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब उसके पास डेटा नहीं होगा, तो वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाएगा और प्रॉपरली आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। इसलिए AI काफ़ी डेटा हंग्री होता है। AI की बात करेंगे किसी और वीडियो में। और अभी बात करते हैं बेसिक चैलेंजेस की। चैलेंज था एक तो प्लेटफॉर्म का चैलेंज था, दूसरा कनेक्टिविटी का चैलेंज था। कनेक्टिविटी का चैलेंज 5G के आने के बाद सॉल्व हो सकता है। प्लेटफॉर्म का चैलेंज, गूगल क्योंकि AI फर्स्ट कह रहा था तो इसलिए शायद वो फुशिया को भी डेवलप कर रहे हैं। फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, अभी तो ये कंफर्म भी हो गया कि फुशिया एंड्रॉयड डिवाइस के कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा, मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ना ही ये लैपटॉप्स के लिए है। बेसिकली ज़िरकन नाम की एक बहुत ही लाइटवेट कर्नल, माइक्रो कर्नल पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो इसी तरह के इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में डाले जाने के लिए, में यूज़ किए जाने के लिए काम में लिया जाएगा। अब जैसे एंड्रॉयड को हम अभी यूज़ करते हैं कि थोड़े बहुत
कस्टमाइजेशन के बाद ये स्नैपड्रैगन की डिवाइसेस में भी है, मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ भी आता है, एमोलेड स्क्रीन्स के साथ भी आता है, एलसीडी स्क्रीन्स के साथ भी आता है, अलग अलग स्क्रीन साइजेस हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर भी वो एंड्रॉयड यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के केस में थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन के बाद हो सकता है कि वो फूशा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके कर सके, और क्योंकि फिर सारी डिवाइसेस में एक ही तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि फूशा होगा, तो इस तरह डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेट करना भी आसान हो जाएगा। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस है जो आपके आसपास सराउंडिंग में डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करके एक बेहतर सहूलियत आपको दे पाएँ, ऐसी डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस है। बेसिकली ये आपस में कनेक्टेड रहेंगी और आपस में बातचीत कर पाएंगी, आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगी। अब ऐसे में एक बहुत ही बड़ा पॉसिबल थ्रेट है, वो ये है कि इन्फॉर्मेशन लीकेज का। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जैसे कि ऊबर का डेटा लीक हो गया, फेसबुक का डेटा लीक हो गया। तो जैसे जैसे आप डिवाइसेस को बढ़ाते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन के लीकेज के पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं एक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ एक सर्विस से मेरा डेटा लीक होने के चांसेस हैं, पर अगर मैं 10 सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ तो उन 10 की 10 सर्विसेज से मेरा डेटा लीक होने के चांसेस हैं। दूसरा, अभी जो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनफ्लो को या आउटफ्लो को वो केटर कर सकते हैं, मतलब कि एक बार में 1 लाख कनेक्शन हो गए, 10 लाख कनेक्शन हो गए, पर जैसे ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो अपने डेटा सेंटर्स को भी स्केल अप करना पड़ेगा। तो ऐसे में DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अगर आपकी डिवाइसेस को हैक कर लिया जाता है, आपकी इंडिविजुअल IoT डिवाइसेस को हैक कर लिया जाए, तो DDoS की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो ज़रूर IoT डिवाइसेस के साथ आ जाएंगे, पर चैलेंजेस बहुत लिमिटेड हैं। एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और उसके बाद जो फ़ायदे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन कर पाएंगे, मतलब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, आपको यूज़र इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे। जैसे मैंने AC का एग्जांपल लिया था, AC ऑटोमेटिकली बाहर की रीडिंग ले रहा है कि बाहर टेम्परेचर कैसा है, बाहर ह्यूमिडिटी कितनी है, तो अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है। तो इस तरह के जो आपको फ़ायदे मिलने वाले, जो ऑटोमेटिकली होने वाली चीज़ें हैं, जो आपके अप्लाइंसेस ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, वो काफ़ी एक्साइटिंग है। चैलेंजेस हालांकि चैलेंजेस हैं, उन्हें ओवरकम कर लेंगे, और आई होप कि अगले कुछ सालों में आपको IoT डिवाइसेस आपके आसपास देखने को मिल जाएं। अभी भी हमारे पास बहुत सारी IoT डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट स्पीकर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अभी Amazon का इको है, इको डॉट है जिसमें वो एलेक्सा देते हैं, गूगल का अपना स्मार्ट स्पीकर्स है, एप्पल के अपने स्मार्ट स्पीकर्स हैं। तो अभी बेसिकली स्मार्ट स्पीकर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और फिलिप्स की ह्यू लाइटिंग है, ऐसी दो चार और कंपनीज है जिनका लाइटिंग सिस्टम आ रहे हैं जो स्मार्ट लाइटिंग है। तो ऐसे आपको स्मार्ट अप्लाइंसेस फ्यूचर में बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, और इसलिए मैं IoT के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चैलेंजेस हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि जब भी मैं कोई एक वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल में, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसकी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना आपको स्मार्ट बनाता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, इसलिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये सेटअप जो आज का सेटअप है वो बहुत ज़्यादा जुगाड़ के बाद बना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सेटअप कैसा लगा। आप फ्यूचर में चैनल में क्या देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर के किसी न किसी वीडियो में आपके सजेशन को ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जाए, ज़रूर उस पर एक वीडियो लाया जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।